आज की कहानी है खिड़की। एक बार की बात है, एक नव विवाहित जोड़ा किसी किराए के घर में रहने पहुंचा। अगली सुबह जब वे नाश्ता कर रहे थे, तभी पत्नी ने खिड़की से देखा कि सामने वाली छत पर कुछ कपड़े फैले हैं। कपड़े देखकर पत्नी बोली, लगता है इन लोगों को कपड़े साफ करना भी नहीं आता, जरा देखो तो कितने मैले लग रहे हैं। पति ने उसकी बात तो सुनी पर उस पर गौर नहीं फरमाया। एक दो दिन बाद फिर उसी जगह कुछ कपड़े और फैले थे। पत्नी ने उन्हें देखते हुए फिर से अपनी बात दोहराई और कहा, कब सीखेंगे ये लोग कि कपड़े कैसे धोते हैं। पति इस बार भी सुनता रहा पर उसने कुछ नहीं कहा। पर अब तो ये आए दिन की बात हो गई। जब भी पत्नी कपड़े फैले देखती, भला बुरा कहना शुरू कर देती। लगभग एक महीने बाद वे यूं ही बैठकर नाश्ता कर रहे थे। पत्नी ने हमेशा की तरह नजरें उठाई और सामने वाली छत की तरफ देखा। अरे वाह, इन्हें अकल आ ही गई, आज तो कपड़े बिल्कुल साफ दिख रहे हैं, जरूर किसी ने टोका होगा। पति बोला, नहीं, उन्हें किसी ने नहीं टोका। तुम्हें कैसे पता? पत्नी ने आश्चर्य से पूछा। आज मैं सुबह जल्दी उठ गया था और मैंने इस खिड़की पर लगे कांच को बाहर से साफ कर दिया, इसलिए तुम्हें कपड़े साफ नजर आ रहे हैं। समझ में आई बात? पत्नी शर्मिंदा हो गई। लेकिन जरा गौर फरमाइए, जिंदगी में भी यही बात लागू होती है। बहुत बार हम दूसरों को कैसे देखते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुद अंदर से कितने साफ हैं। किसी के बारे में भला बुरा कहने से पहले अपने मनोस्थिति देख लेनी चाहिए और खुद से पूछना चाहिए, क्या हम सामने वाले में कुछ बेहतर देखने के लिए तैयार हैं या अभी भी हमारी खिड़की गंदी है।